हमारी अपनी चीज के लिए ही एहतियात हो, दूसरों की चीज के लिए तो और भी ज्यादा एहतियात करना पड़ता है। लेकिन आज मिजाज बदल गया, हमारी चीज में जो एहतियात होती है वो दूसरों की चीज में एहतियात नहीं होती। हमारी अपनी गाड़ी चलाते हैं तो बड़ी एहतियात के साथ चलाते हैं, एक छोटा गड़ा भी आ गया तो गियर भी बदल जाता, ब्रेक भी पड़ जाता। दूसरों की जब गाड़ी चलाते हैं तो गोरी पालने और टानी रोड की रोड को भी हाईवे नेशनल समझकर चलाते हैं। ये अदब के खिलाफ है। अपने माल में भी एहतियात होना चाहिए, लेकिन जब दूसरों का माल हो तो और ज्यादा एहतियात करना चाहिए, ताकि उन्हें जिस भरोसे से वो चीज हमको दिया है उसके भरोसे और उसकी चीज को नुकसान न पहुंचे। कोई भी चीज क्यों ना हो, उस तफसील पे जाना मुझे नहीं है। मुसलमान खुद भी नुकसान नहीं उठाता और दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसी को इस्लाम कहते हैं, इसी को मुसलमान कहते हैं। खुद भी नुकसान नहीं उठाना, दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, खुद के जायज फायदे की भी फिक्र करना और दूसरों को भी फायदा पहुंचाने की फिक्र करना, यही इस्लाम है, यही ईमान है, यही पैगंबर का फरमान है, यही मुसलमान की शान और पहचान है। अगर हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सगी बहन हजरत अस्मा बिनते अबी बकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते में साली होती है, उनके पास गले का हार था, हजरत आयशा ने अपनी बहन छोटी बहन से कहा कि बहना जरा तुम अपने गले का हार देना, मैं नबी के साथ सफर में जा रही हूं, सफर जाकर वापस आकर मैं तुम्हारा हार तुम्हें वापस कर दूंगी। क्योंकि आज इसके बयान मां और बहनें भी सुनती हैं, आपके जरिए उन तक या इस रिकॉर्डिंग के जरिए उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि मांगने का काम हमारा है, देने का काम सामने वाले का है। सामने वाला दे तब भी हम राजी हो जाए, सामने वाला ना दे तब भी हम राजी हो जाए। ये दोनों हालतों में जो आदमी राजी होता है वही एक अच्छे अखलाक वाला इंसान है। मांगते हैं दे दिया तो खुश, मांगते हैं नहीं देता है तो ना खुश जो होते हैं, ये निफाक की और मुनाफिक की अलामत है। मामूर जरा गाड़ी दे शिवाजी नगर जाकर आतो, ले हजरत खुश शुक्रिया। महबूब जरा गाड़ी दे शिवाजी नगर जाकर आता हूं, महबूब अगर इनकार कर दिया तब भी अगर मैं खुश हो गया तो मैं बाखलाक इंसान हूं, अगर मैं उसके देने पर खुश हो जाऊं और ना देने पर नाराज हो गया तो फिर मेरे अंदर का ये निफाक है। सुनते जाओ नौजवानों, मुसलमानों अमल करते जाओ। खर्च का भी यही मसला है, मैं अगर वाहिद से 2000 रुपए कर्ज पूछा, वाहिद साहब दे दिए मैं खुश हो गया तो सभी हा, वाहिद साहब ना दिए तो तब भी मैं खुश हो जाऊं। दीन है दोस्तों, मजाक नहीं है। ये कदम उठाकर ये कदम रखने के लिए भी नबी ने हमारी रहनुमाई फरमाई है।